तो हो रहा है सोनम कपूर की शादी। शादी हो रहा है उनके बॉयफ्रेंड के साथ जिसका नाम है आनंद आहूजा। सोनम कपूर को आप तो सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन आनंद आहूजा जो कि है एक बिजनेसमैन, आप क्या उनके बारे में कुछ जानते हैं? दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, आज हम इस वीडियो में आपको सब जानकारी देने वाले हैं। आनंद आहूजा जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं और ये है एक फेमस बिजनेसमैन। इनका पिताजी का नाम है सुनील आहूजा और माताजी का नाम है बीना आहूजा। इनका और दो भाई है जिनका नाम है अनंत आहूजा और अमित आहूजा और एक बहन भी है जिनकी नाम है प्रियदर्शिनी। ये पूरे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था अमेरिकन एम्बेसी स्कूल न्यू दिल्ली से, बाद में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसके बाद वॉटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से मास्टर्स कंप्लीट किया था। MBA कंप्लीट करने के बाद वो अपने अंकल का क्लोथिंग बिजनेस संभाल रहे थे जहाँ पर उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन हुआ और उसके बाद उन्होंने लास्ट स्पोर्ट्सवेयर और अमेजोन जो कि USA में स्थित है वहाँ पर एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम भी किया था और वहाँ से जो उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया उससे अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था। उनका खुद का ब्रांड का नाम है भाने। सोनम कपूर इसी ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं और भाने का टर्नओवर हर साल 2700 करोड़ रुपए है इंडियन करेंसी में। और इसके साथ साथ आनंद आहूजा को फाउंडर है भारत का अपना पहला स्नीकर स्टोर वेज और नॉन वेज का। जी नहीं, ये खाने का कोई स्टोर नहीं है, ये है स्नीकर यानी जूते का शोरूम और पूरे इंडिया के है ये, यानी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है सब कुछ। साथ साथ ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। ये अपना फैमिली ओन्ड कंपनी जिसका नाम है शाही एक्सपोर्ट्स, ये भारत का सबसे बड़े एक्सपोर्ट हाउस है। आनंद आहूजा नाइक ब्रांड को बहुत पसंद करते हैं, ये खुद ये इस्तेमाल करते हैं। आनंद का शौक है बास्केटबॉल खेलने का और वो लॉस एंजलिस लीकर्स जो बास्केटबॉल टीम है वो उनका डाई हार्ट फैन है। उनको ब्राजीलियन डिश एसआई बॉल खाने का बहुत शौक है, ये खाने का भी बहुत शौकीन है। इन्होंने सोनम कपूर को जुलाई 2014 में प्रपोज किया था और अक्टूबर महीने में सोनम कपूर ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद से उनका लव स्टोरी चल रहा था। ये बहुत लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं। इनके पास 3 BMW का कार और एक मर्सिडीज बेंच का कार है और क्योंकि ये देसी स्टाइल अपनाना पसंद करते हैं इसके लिए इनके पास महिंद्रा कंपनी का SUV है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, ये शादी एकदम रब ने बना दी जोड़ी जैसा होगा या एक दिन आए और दूसरे दिन गए जैसा होगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना दवाई और कपड़े देते हैं, यहाँ पे जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा हम उतना ज्यादा गरीब आदमी को मदद कर सकेंगे। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी गरीब के मुंह में हंसी लाइए।